सब्सक्राइब करें ऑटो मशीन इंडिया यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन के बटन को दबा लें लेटेस्ट टेक्निकल मशीन्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आज आपको दिखाऊंगा इस टाटा गाड़ी के अंदर 709 मॉडल ये और टाटा की गाड़ी है, उसकी मीटर प्लेस के बारे में बताऊंगा, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा, कौन कौन सी मीटर होती है उसके बारे में जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। देख सकते हो ये हमारी हेडलाइट है और उससे जो इंडिकेटर लाइट देते हैं वो है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा इसकी सबसे अच्छी बात जो है इसकी मीटर प्लेट, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो। तो यहाँ पर आप देख सकती हो पूरा मीटर का जो सेटअप है, ये हमारा स्टेयरिंग है, इसमें टाटा का बैच भी आप देख सकते हो। और यहाँ पर हमें दिख जाती है इसकी मीटर प्लेट, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे स्पीडोमीटर साइड में है हमारा, यहाँ पे स्पीडोमीटर हमारा, और पूरी रीडिंग जो इंजन के जो सिग्निफिकेंस जो इंजन के निशान होते हैं, इंजन के निशान वो यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर आपको मिल जाती है फ्यूल वाला जो मीटर है वो भी है यहाँ पर हमारा, और ये वाला मीटर भी आप देख सकते हो, स्पीडोमीटर से बोलते हैं यहाँ पर जो स्पीडोमीटर, ये है हमारा स्पीडोमीटर। अगर आपको ध्यान से देख रहा हूँ तो ये पूरा मीटर का सेटअप है, आप यहाँ पे देख सकते हो और किस तरह सामान को यहाँ पे रखा गया है। पहले आप मीटर प्लेट को ध्यान से देखते हो और ये हमारा इंडिकेटर, ये हमारा देख सकते हैं बिल्कुल ही जो मीटर का सेटअप है वो आप यहाँ पर देख सकती हो, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो बिल्कुल ही यहाँ से एयर को भी निकाला जा सकता है। तो ये हमारी टाटा जो 709 गाड़ी है उसकी मीटर प्लेट है, और अंदर से वो सेटअप होता है वो भी आप देख सकते हो किस तरह से आप बना सकते हो। बहुत ही सुंदर गाड़ी है हमारे लिए, जिससे आप जैसे मीटर प्लेट जो है वो आपने देखी टाटा की, और उसके बारे में जो भी रीडिंग होती है वो आपने यहाँ पर पैचअप करी है और उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छी गाड़ी है और देख सकते हैं यहाँ पर आप। दोस्तों आज मैंने आपको बताया इस गाड़ी के जो मीटर प्लेट्स होते हैं उसके बारे में, और जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो करें लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाना। अगर आपको इस तरह की वीडियो देखनी है आगे भी तो मैं आपको बताता रहूँगा इसी चैनल पर, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन जरूर दबाना और वीडियो को शेयर जरूर करना। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट करके पूछ दो। थैंक यू गाइस।